इस वक्त संतोष मांझी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर, हम उन्हीं से ये समझ लेते हैं। संतोष जी, आपने इस्तीफा दे दिया है कैबिनेट से, क्या वजह है? जी, वजह एक ही वजह है कि हमारी पार्टी को प्रस्ताव आया था कि आप मर्ज कर जाइए हमारे साथ, तो हम लोग ने इसको सही नहीं समझा और हम सब स्वेच्छा से अलग हो गए। क्या वजह है मर्ज करने की बात की जा रही है जबकि आपकी अपनी पार्टी है, आप लोगों की अपनी ताकत है, इसके बावजूद मर्ज करने की मांग क्यों? ये वजह तो हम कैसे कह सकते हैं, वजह तो जो जिन जहाँ से प्रस्ताव आए वो बताएंगे ना कि किस वजह से मर्ज करना का प्रस्ताव हमारे पास आया, और प्रेशर भी था कि आप मर्ज कीजिए चाहे बाहर जाइए, तो हम बाहर का रास्ता ज्यादा अच्छा समझा कि हम बाहर जाए। मतलब संतोष जी, आप ये कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव दिया गया, या तो आप अपने अपनी पार्टी को मर्ज कर लें या फिर आप कैबिनेट से बाहर चले जाएं, सरकार से बाहर चले जाएं। जी, लेकिन खबर तो ये भी आ रही है कि चूंकि आपकी पार्टी 5 लोकसभा सीट की मांग कर रही है और दबाव स्वरूप आपने ये इस्तीफा दिया है। देखिए, दबाव स्वरूप इस्तीफा नहीं दिया जाता है, और 5 सीट की जहां तक बात है तो हमने ये बात बोला था कि हमारे कार्यकर्ता इतने तैयार हैं, हम 5 सीटों पर हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है और हम 5 सीट पर लड़ने की स्थिति में हैं, हमारे कार्यकर्ता वहां से जीत सकते हैं। और जब ये भी बात मैं साथ में बोला था कि जब एक साथ जब बैठेंगे तो पूरे महागठबंधन के लोग बैठेंगे तो वहां पर होगा कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे, और कोई ऐसी बात नहीं है, हम कम सीट भी अगर मिले एक दो तो हम ये बात हम ऑन रिकॉर्ड हम आपके चैनल किसी के चैनल पर बोले होंगे, तो ऐसा कोई मांग अभी बात ही नहीं हुई है, तो मांग कहाँ है? वो तो न्यूज और मीडिया में चलता है, उससे थोड़ी कोई कंक्लूजन निकाला जाता है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि हम लोग के सामने एक दबाव था, और दबाव था मर्जर का, जो एक अस्तित्व की बात है, अस्तित्व खतरे में पड़ रही थी और अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमने बेहतर रास्ता अपनाया, और मुझे और कोई गिला शिकवा कहने से नहीं है, मैं सबका सम्मान करता हूं, और उनको भी कुछ परिस्थितियां मजबूरियां रही होगी पार्टी की जो हम लोग के सामने प्रस्ताव आया। नहीं, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कुछ मजबूरियां रही होंगी, तो ये मजबूरी आपकी नजर में क्या है? अब ये तो बात मैं नहीं कह सकता क्या बात है, क्योंकि एक रनिंग पार्टी चल रहा है, पार्टी जिसके 4 विधायक हैं और एक MLC हैं, और हम लोग आगे भी हमारी दिन पर दिन हमारी जो क्षमता है बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा हमारे ऊपर है, हम गरीब लोगों का आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके बिहार में एक ऐसा समाज है जिसको भुइयां मुसर समाज कहा जाता है, वो सबसे नीचे तबके का है, उसको एक आशा जगी थी और वो हम लोग की तरफ देख रहा था। अगर हम एक राजनीतिक रूप से उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, राजनीतिक भागीदारी की मांग कर रहे थे, गलत कहाँ था? तो अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तो हम तो ठीक है, एक पर्सनल संतोष मांझी और हमको फायदा हो जाता है, लेकिन उन लाखों लोगों को जो हमारे ऊपर अपेक्षा किए हुए थे उनके साथ हम कहीं ना कहीं गलत करते, इसलिए हमने बेहतर समझा कि उनकी भलाई के लिए, उनकी आवाज बनने रहने के लिए हम अपने पद से रिजाइन कर देते हैं, और हम स्वेच्छा से रिजाइन किए हैं, और किसी के प्रति हम लोग कुछ नहीं है। आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो क्या गठबंधन बनेगा, कोई नया गठबंधन नहीं बना, मतलब बीजेपी के साथ ही गठबंधन में जा सकते हैं? अभी इस पर कोई विचार हम लोग नहीं किए हैं, हम लोग अकेले भी लड़ सकते हैं, नया बीजेपी के खिलाफ भी कोई नया गठबंधन बना के बात कर सकते हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है, बहुत सारी बातें आती है, और अभी तो हमने अपने पद से रिजाइन किया है, बाकी अभी तक देखेंगे आगे की रणनीति। जहाँ चाह है वहाँ राह है। बहुत शुक्रिया संतोष सुमन हमारे साथ जुड़े। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।